नमस्कार, यूपीएससी के अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच बहुत नाजुक सा रिश्ता होता है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को ओवरफ्लो होने देते हैं तो हमारा ये कॉन्फिडेंस हमारी हार का कारण भी बनता है, है ना। अब सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस। मान लीजिए कि आप अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, है ना। कोई आपसे अगर कहे कि सीधा आपको दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलानी है तो आपका क्या रिप्लाई होगा? शायद कुछ लोग कहेंगे कि अभी हम इतनी परफेक्ट गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिना सोचे ओवर कॉन्फिडेंस में गाड़ी मेन रोड पर निकाल देंगे, और ऐसा करने से अगर आप एक दो बार ठुक जाएंगे तो हो सकता है आप में इतना कॉन्फिडेंस भी ना रहे कि आप गाड़ी को दोबारा भी हाथ लगाएंगे, है ना। क्या हुआ है आपके साथ? कहने का मतलब है कि अगर आप कोई चीज नहीं आती, कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसे एक्सेप्ट करो और उसे सीखने में कोई कसर ना छोड़ो। सेल्फ डाउट होना गलत नहीं है। कई बार सेल्फ डाउट बहुत 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 जरूरी होता है। आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि कहीं मेरे प्रोसेस में तो कमी नहीं है, कहीं प्रोसेस ही गलत तो नहीं है जो मुझे मेहनत करने के बाद भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में हर चीज बैलेंस में होनी चाहिए, फिर चाहे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो या सेल्फ डाउट। वो कहते हैं ना कि आत्मविश्वास जब उड़ान भरता है, इंसान सोच से भी कुछ बड़ा करता है, है ना। अगर आपको ये मॉर्निंग मोटिवेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, और कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला टॉपिक किस बारे में आप सुनना चाहते हैं। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच, जय हिंद।